कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितम नमामि। इसका अर्थ इस प्रकार है, कपूर गौरम का मतलब है भगवान शिव जो कपूर के समान शुद्ध हैं। करुणावतारम का मतलब है वह जो जिसका व्यक्तित्व करुणा का अवतार है और जो करुणा का साक्षात अवतार है। संसार सारम का मतलब है वह जो संपूर्ण सृष्टि के सार हैं। भुजगेन्द्र हारम का मतलब है वह जो सांप के राजा को अपने गले में हार के रूप में धारण करते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे का अर्थ है दिल में कमल के रूप में शुद्ध। कमल हालांकि गंदे पानी में पैदा होता है, उसके चारों ओर कीचड़ का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार भगवान शिव रहते हैं प्राणियों के हृदय में, जिससे उन पर सांसारिक मामलों का प्रभाव नहीं पड़ता। भवम का मतलब है भगवान। भवानी सहितम नमामि का मतलब है देवी भवानी के रूप में जो पार्वती और शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मंत्र का पूरा अर्थ, वह जो कपूर के समान शुद्ध हैं, जिनका व्यक्तित्व करुणा का अवतार है, जो संपूर्ण सृष्टि का सार है और जो सांपों के राजा को अपने गले में हार के रूप में धारण करते हैं, वे भगवान शिव और माता भवानी सहित हृदय में सदैव निवास करें। जिस प्रकार कीचड़ में कमल रहता है और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस मंत्र में भगवान शिव की स्तुति की जाती है। भगवान शिव को शमशान का वासी व उनका स्वरूप भयंकर और अघोरी माना जाता है, लेकिन ये स्तुति बताती है कि उनका स्वरूप बहुत दिव्य है। शिव को सृष्टि का अधिपति माना गया है। वे मृत्युलोक के देवता हैं, उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ का अर्थ है संसार के जितने भी जीव मनुष्य सहित उन सबका अधिपति। ये स्तुति इसी कारण से गाई जाती है कि जो समस्त संसार का अधिपति है वो हमारे मन में वास करें। भगवान शिव शमशानवासी हैं जो मृत्यु के भय को दूर करते हैं। हमारे मन में शिव वास करें, मृत्यु का भय दूर हो। इस मंत्र से शिव जी की स्तुति की जाती है।